हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओलंपिक्स। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली अभी 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ओलंपिक्स यहां पर ऑर्गेनाइज किए गए थे इन टोक्यो जापान। सो यहां पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमने इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, या हम यहां पर बात करेंगे ओलंपिक्स की हिस्ट्री से कि किस तरह से यहां पर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए, किसने यहां पर स्टार्ट किया, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर रहेंगे सो हम उनकी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये ओलंपिक जो टोक्यो में अभी ऑर्गेनाइज किए गए, जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज होने थे लेकिन कोविड के कारण इनको एक्सटेंड किया गया, ये वेस्ट एवर ओलंपिक रहे हैं फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में आज तक इंडिया ने इस ओलंपिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स यहां पर जीते हैं आज तक की जितने भी उन्होंने मेडल्स जीते थे। सो हम यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बन सकते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर ओलंपिक्स के बन जाते हैं। तो ओलंपिक की बात करें, देखिए सबसे पहले ओलंपिक जो एंशियंट टाइप में स्टार्ट हुए थे, तो वो कब स्टार्ट हुए थे, दैट इज 776 BC में इनको स्टार्ट किया गया था, और कहाँ पर, दैट इज इन माउंट ओलंपिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ग्रीस में माउंट ओलंपिया में यहाँ पर इनको शुरू किया गया था, इसलिए ओलंपिया पर्वत पर इनको शुरू किया गया, इसलिए ओलंपिया से इसका नाम पड़ा आज की डेट में ओलंपिक्स। ओके, तो वहाँ पर एक ग्रीक गॉड होते थे दैट इज ज्यूस, तो उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर, और कुछ एक राजाओं द्वारा युद्ध वगैरह को रोकने के लिए, वॉर वगैरह को रोकने के लिए यहाँ पर ओलंपिक्स को स्टार्ट किया गया। तो आपको सही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंशियंट ओलंपिक्स कब शुरू हुए थे, दैट इज 776 BC, लेकिन इसके बाद काफ़ी ईयर्स के बाद इनको रोक दिया गया कुछ रूलर्स द्वारा, बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से ये गेम को रिवाइव किया गया 1894 में, ठीक है। एक फ्रेंच पर्सन थी, ठीक है, पियरे दे कोबर्टिन, इनके द्वारा यहाँ पर ओलंपिक्स को फिर से रिवाइव किया गया। इनको फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है, एंड पहले मॉडर्न ओलंपिक्स, दोबारा से जो ओलंपिक्स स्टार्ट हुए वो कब स्टार्ट हुए थे, दैट इज़ इन 6 अप्रैल 1896 में, और ये कहाँ पर हुए थे, दैट इज़ एथेन में, यह ओलंपिक्स जो ग्रीस की कैपिटल रहेगी, ठीक है, वहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स पहली बार जो थे वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुए, 1896 में कहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसके बाद एवरी ईयर 4 ईयर्स के बाद ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, और इसके बाद स्टूडेंट्स याद रखेंगे सेपरेट विंटर ओलंपिक्स गेम्स को भी शुरू किया गया था, दैट इज़ 1924 में। तो आपने दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जो मॉडर्न ओलंपिक है वो कब शुरू हुए, एंशियंट ओलंपिक्स कब शुरू हुए, विंटर ओलंपिक्स कब शुरू हुए, एंड यहाँ पर ओलंपिक्स जो है वो एवरी 4 ईयर के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से पहले यहाँ पर ओलंपिक्स जो थे वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अभी हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, आपने इस जो ये आपके पास इमेज आपको दिख रही है, ठीक है, इसको काफ़ी बार देखा होगा, ये 5, इनको हम 5 रिंग्स भी बोल देते हैं, और यही यहाँ पर ओलंपिक का सिंबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने इन अलग अलग कलर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि हर एक रिंग जो है यहाँ पर हर एक कॉन्टिनेंट की बात करती है, अलग अलग कॉन्टिनेंट की बात करती है। तो आपने यहाँ पर याद रखना कि कौन सी रिंग कौन से कॉन्टिनेंट से अटैच है, जैसे ब्लू रिंग से यूरोप की बात हो रही है, येलो से हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लैक से दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो कि अपने आप में एक कंट्री भी है, ठीक है, इसको यहाँ पर ग्रीन से दिखाया गया, और रेड से यहाँ पर अमेरिका की बात की गई है। सो 5 रिंग्स इज द ओलंपिक सिंबल, एंड ये यहाँ पर 5 रिंग्स जो वो 5 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड रहेंगी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है ओलंपिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरी 4 ईयर्स के बाद ओलंपिक्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो दैट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1894 में, कहाँ पर, फ्रांस पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पर एवरी जो भी 4 ईयर्स के बाद ओलंपिक्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखेंगे एक पॉइंट कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे लोसेन स्विट्जरलैंड में, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, लोसेन स्विट्जरलैंड में। पेरिस फ्रांस में इसको इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन लोसेन में हेडक्वार्टर रहेंगे, एंड थॉमस बाक ये पर्सन जो रहेंगे वो आज की डेट में प्रेजिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एग्जाम। यहाँ पर देखिए इस जो 2020 के ओलंपिक्स टोक्यो में होने थे जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज हुए, इसके मास्कोट क्या था? ठीक है, मास्कोट को हिंदी में हम बोल देते हैं शुभंकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये इमेज दी गई है। ठीक है, इसको बोला जाता है मिराई तोवा। ठीक है, मिराई तोवा, जिसका मिराई तोवा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मिराई एंड तोवा। मिराई का मीनिंग होता है भविष्य, फ्यूचर, एंड तोवा का मतलब होता है अनंत, मीन अनंत भविष्य। ठीक है, तो आपने जस्ट याद रखना है कि मिराई तोवा इज द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में ऑर्गेनाइज हुए। एंड साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीवियस ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, तो वो ब्राज़ील में रियो में इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम, दैट इज नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो दैट इज़ इन पेरिस फ्रांस, और ये होंगे 2024 में। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो होंगे पेरिस फ्रांस में, 2028 के जो ओलंपिक्स रहेंगे वो लॉस एंजलिस यूएसए में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, एंड 2032 के भी स्टूडेंट्स याद रखेंगे दैट इज़ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स ओलंपिक्स जो है इनका मोटो क्या होता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक लैटिन वर्ड्स दिए गए हैं, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। ये लैटिन वर्ड्स जो है वो ओलंपिक का मोटो होते हैं, जिनका इंग्लिश में मीनिंग होता है फास्टर, हाइएस्ट, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। टुगेदर को बाद में ऐड किया गया है, इस वर्ड को यहाँ पर लास्ट बाद में ऐड किया गया है कोविड के बाद। तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक, तो इन आपको इंग्लिश और लैटिन दोनों में ही आप यहाँ पर इनको ध्यान में रखेंगे। इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू स्पोर्ट्स यहाँ पर कौन कौन से अभी ऐड किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 5 न्यू स्पोर्ट्स को यहाँ पर एक तरह से ऐड किया गया। सबसे पहले है बेसबॉल। देखिए स्टूडेंट्स, बेसबॉल या फिर हम जिसको बोले सॉफ्ट बॉल, ये पहले से भी ओलंपिक्स में ऐड थे लेकिन इनको रोक दिया गया था, तो इनको दोबारा से शुरू किया गया, रीन स्टेट आफ्टर 2008 के बाद कोई भी बेसबॉल की गेम नहीं हुई थी इन ओलंपिक्स, लेकिन 2020 के ओलंपिक्स में इनको फिर से शुरू किया गया है। एंड नई 4-day यहाँ पर गेम्स ऐड की गई, दैट इज़ कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। तो ये 4 एंड हम कह सकते हैं 4 या फिर 5, ठीक है, आप यहाँ पर आंसर 5 करेंगे कि 5 नई गेम को यहाँ पर ऐड किया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लॉरेल हवार्ड, ठीक है, न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये बनी है फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर एथलीट इन ओलंपिक्स। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कौन बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, दैट इज़ लॉरेल हवार्ड, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, दैट इज़ इन न्यूजीलैंड। एंड इसके आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ राइसा लील, ठीक है, ये यहाँ पर ब्राज़ील से 13 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि यंगेस्ट एवर यहाँ पर बनी है ओलंपियन, जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता है, और यहाँ पर कौन सा मेडल मिला है, दैट इज़ वेट, सॉरी, सिल्वर मेडल, और ये मिला है वुमन स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में, तो इसको भी याद रखेंगे यहाँ पर। इसके नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर रहेगा, दैट इज़ इंडिया के बारे में हम आप कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया से पहली बार, इंडिया ने कब ऑफिशियली पहली बार यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो स्टूडेंट्स 1900 में जब सेकेंड टाइम ओलंपिक्स हुए, कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, इंडिया ने तब पहली बार यहाँ पर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। एंड नॉर्मन प्रिटकार्ड, ठीक है, नॉर्मन प्रिटकार्ड ये बने थे पहले इंडियन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपियन, एंड इन्होंने यहाँ पर 2 सिल्वर मेडल जीते थे एथलेटिक्स में, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे, 1900 में इंडिया ने यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट किया और नॉर्मन प्रिटकार्ड ने यहाँ पर 2 सिल्वर मेडल जीते थे एथलेटिक्स में। इसके बाद हमने अभी जो 2021 में ओलंपिक्स हुए टोक्यो में, वहाँ पर जाकर एथलेटिक्स में यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर 121 ईयर्स के बाद यहाँ पर मेडल जीता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैरी लीला राव, ये फर्स्ट इंडियन वूमेन थी इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, एंड इनको इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इंडिया में ओलंपिक्स की जो गवर्निंग बॉडी है वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुई थी दैट इज़ इन 1927, एंड यहाँ पर दोराबजी टाटा ये थे इसके पहले प्रेसिडेंट, तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करें तो नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया, देखो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी थी, तो ओपनिंग सेरेमनी में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए 2021 में, 2020 ओलंपिक्स, तो इनको यहाँ पर फ्लैग बियरर कौन था, तो दैट इज़ मैरी कॉम, स्टूडेंट्स हम जानते हैं जिन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था यहाँ पर बॉक्सिंग में, तो मैरी कॉम एंड साथ में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन दैट इज़ मनप्रीत सिंह, ये यहाँ पर इंडियाज़ फ्लैग बियरर थे, और ये पहली बार था जब एक
मेल और फीमेल दो फ्लैग बियरर थे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ टू फ्लैग बियरर, वन मेल एंड वन फीमेल, ताकि यहाँ पर इक्वालिटी एक तरह से हम शो कर सकें, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स जो थे उसमें इंडिया ने टोटल कितने एथलीट को यहाँ पर भेजा था, तो दैट इज़ 127। टोटल हमने 127 यहाँ पर एथलीट को भेजा था, जिसमें से 56 जो थी वो यहाँ पर फीमेल थी एंड 71 जो थे वो यहाँ पर मेल थी। तो इन पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंड आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्लैग बियर किया है, दैट इज़ मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम ने। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर रहेगा, देखिए, ओलंपिक थीम सॉन्ग। स्टूडेंट्स, किरण रिजिजू जो कि हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लक्ष्य तेरे सामने है, ठीक है, ये यहाँ पर थीम सॉन्ग एक तरह से लॉन्च किया था, ठीक है, रिलीज़ किया था ओलंपिक्स के लिए। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि इंडिया ने कौन सा थीम सॉन्ग यहाँ पर रिलीज़ किया था फॉर द ओलंपिक्स गेम्स, एंड इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया था, तो दैट इज़ मोहित चौहान। मोहित चौहान द्वारा इनको यहाँ पर इस सॉन्ग को कंपोज किया गया था। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर अलग अलग गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेत्रा कुमानन, ठीक है, ये बनी है फर्स्ट एवर इंडियन सेलर, सेलर मीन नाविक, ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन सेलर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया था इस साल के ओलंपिक्स के लिए। दूसरी चीज, साजन प्रकाश एंड श्री हरि नटराज, ये भी यहाँ पर पहले स्विमर बने हैं, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर, क्वालिफाई कर लिया था ओलंपिक्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ भवानी देवी, ये भी फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर बनी थी जिन्होंने फेंसिंग की गेम में यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया था टोक्यो ओलंपिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एवर फेंसर कौन बनी थी, या भवानी देवी जी जो थी वो किस गेम से रिलेटेड है, तो ये आपको अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स, जज और ज्यूरर की बात करेंगे। दीपक काबरा, ये पहले पर्सन बने हैं इंडिया से, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक जिमनास्ट जज, ठीक है, जिन्होंने जिमनास्टिक मेंस, जो मेन जिमनास्ट रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर एक तरह से जज बने यहाँ पर पहली बार। तो आपने नेम याद रखना कि इंडिया से पहली बार जिमनास्ट की यहाँ पर फील्ड में कौन जज बना, दीपक काबरा। एंड पवन सिंह जो कि यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जनरल ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये भी यहाँ पर ओलंपिक शूटिंग में जूरी के मेंबर बने थे। तो दोनों के नेम आपको पता होने चाहिए कि किस किस गेम में कौन कौन पर्सन पहली बार इंडिया से जज यहाँ पर अपॉइंट किया गया था इन टोक्यो ओलंपिक्स। नेक्स्ट है इंडिया मेडल टैली एट ओलंपिक्स। स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इस साल के जो ओलंपिक्स थे ये इंडिया के लिए बेस्ट एवर ओलंपिक्स रही, जिसमें कि हमने टोटल 7 मेडल्स जीते, जिनमें से आपके पास यहाँ पर 1 गोल्ड रहेगा, ठीक है, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए किन किन पर्सन, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड में जेवलिन थ्रो में यहाँ पर मेडल जीता, एंड बाकी जितने भी पर्सन हैं आपको सभी के नेम्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। सो हम इसको नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं नीरज चोपड़ा। स्टूडेंट्स, आपको इनका बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि सेकेंड इंडिविजुअल पर्सन बने हैं इंडिया से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सबसे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने यहाँ पर 2008 में गोल्ड मेडल जीता था, देन अभी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल यहाँ पर इंडिया के लिए जीता है। सो इनके बारे में यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये बोर्न, इनका जो जन्म हुआ था वो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एंड इनका जो बर्थ हुआ था वो 24 दिसंबर 1997 में हुआ था। नीरज चोपड़ा 23-year-old जेवलिन थ्रोअर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने आपने याद रखना है कि कितनी मीटर तक इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था, दैट इज़ 87.58 मीटर। फाइनल्स में इनका थ्रो इतने मीटर्स का था और इसके कारण वो यहाँ पर गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। सो इसको पॉइंट याद रखेंगे। ही बिकेम द ओनली सेकेंड इंडिविजुअल इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड आफ्टर अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में यहाँ पर मेडल जीता था। और नीर यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा ने इसको इस गोल्ड मेडल को जो यहाँ पर मिल्खा सिंह जी थे और पीटी उषा, ठीक है, इनको डेडिकेट किया है, क्योंकि पीटी उषा और मिल्खा सिंह भी काफ़ी नज़दीक से मेडल जीतने से यहाँ पर रह गए थे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, ही वॉज इंडक्टेड एज जूनियर कमिश्नर ऑफिस इन राजपुताना राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी 2016 में। सो ये कुछ एक पॉइंट याद रखेंगे। और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने एंड एशियन गेम में इन्होंने डेब्यू किया और दोनों जगह इन्होंने जेवलिन की गेम में गोल्ड मेडल जीता था। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको
थ्रो के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कितनी दूरी का उनका थ्रो था, तो इसको भी साथ में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मीराबाई चानू। स्टूडेंट्स इंडिया के जो हमने सबसे पहले ओलंपिक्स में इंडिया से मेडल जीता था, तो वो रहेंगी मीराबाई चानू। इन्होंने दूसरे ही दिन इंडिया के लिए पहला मेडल जीत लिया था, दैट इज सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू जो कि जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 kg में सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती, दैट इज इम्फाल मणिपुर से, ठीक है। और इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1 मार्च 1994 को। स्टूडेंट्स ये पहले भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो 2016 के रियो के ओलंपिक्स रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस साल इन्होंने यहाँ पर मेडल जीत लिया है। इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका रिसेंटली नेम भी बदल कर रख दिया गया है, ध्यानचंद यहाँ पर खेल रत्न बना दिया गया है, नाम उसका चेंज कर दिया गया, सो इनको ये 2018 में मिला था। एंड साथ में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। एंड 2021 में यहाँ पर मीराबाई चानू ने एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था क्लीन एंड जर्क में, जिसमें इन्होंने टोटल 119 kg यहाँ पर जो वेट था वो लिफ्ट किया था। सो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, ओलंपिक्स में इन्होंने टोटल 2002 kg जो वेट है वो टोटल लिफ्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। 87 kg इन्होंने यहाँ पर स्नैच में यहाँ पर टोटल लिफ्ट किया, एंड 115 क्लीन एंड जर्क में, तो टोटल इन्होंने 202 kg यहाँ पर वेट लिफ्ट किया। एंड जो यहाँ पर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने टोटल 210 kg वेट लिफ्ट किया था, सो ये पॉइंट याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा भी गया है टोटल 202 kg, 87 इन्होंने स्नैच में एंड 115 kg इन्होंने क्लीन एंड जर्क में। सो स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट रहेंगे रवि कुमार दहिया, जिन्होंने रेसलिंग में 57 kg में इंडिया के लिए यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो दैट इज़ हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक पॉइंट साथ में याद रखेंगे कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हमने किस स्टेट से यहाँ पर एथलीट्स को भेजा था टोक्यो ओलंपिक्स में, दैट इज़ हरियाणा। हरियाणा से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया गया था, यहाँ पर क्वालिफाई किया था सबसे ज़्यादा एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोनीपत हरियाणा से। स्टूडेंट्स इन्होंने सेमीफाइनल्स में यहाँ पर कजाकिस्तान के नूरी सलैन सनियेब करके यहाँ पर रेसलर थे, इनको हराया था और फाइनल्स में यहाँ पर सिक्योर किया था एक प्लेस, तो जिसके कारण इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल को सिक्योर किया। लेकिन फाइनल्स में ये जबुर युगेव ये एक पर्सन थे, ठीक है, रशिया के यहाँ पर रेसलर थे जिनसे ये जीत नहीं पाए और 4-7 से यहाँ पर ये हार गए थे, तो इसलिए इनको यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनल्स में इनका मैच किसके साथ है या सेमीफाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था, तो ये दोनों नेम्स आप याद रखेंगे। एंड इनको 57 kg रेसलिंग में यहाँ पर 57 kg रेसलिंग जो रहेगी फ्री स्टाइल रेसलिंग, वहाँ पर इनको सिल्वर मेडल मिला है। ओके, एंड 2019 के बाद से रवि कुमार दहिया जो थे वो मेंबर थे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही थी, तो इसके भी मेंबर यहाँ पर थे, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पर पीवी सिंधु, वुमन सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने वुमन सिंगल्स में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्टूडेंट्स हम पीवी सिंधु के बारे में हमने पहले भी सुना है, 2016 के जो ब्राज़ील के ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी एक सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, सो इन्होंने 2020 में एक और मेडल जीता है और ये फर्स्ट एवर वुमन इंडिविजुअल बनी है जिन्होंने कंजेकटिव ईयर्स में दो मेडल यहाँ पर ओलंपिक्स में जीते हैं। सो यहाँ पर इनकी बात करेंगे, ठीक है, सिंधु पीवी सिंधु इज द ओनली इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल इन कंजेकटिव ईयर्स, ठीक है, दो लगातार ईयर्स में, और अकेली वुमन है जिन्होंने दो मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। ओके, उन्होंने थर्ड स्पॉट पर यहाँ पर फिनिश किया, यहाँ पर सिंधु फिनिश्ड थर्ड इन वुमन सिंगल्स बैडमिंटन एट द टोक्यो ओलंपिक्स आफ्टर बीटिंग चाइनाज ही बिंग जाओ इन स्ट्रेट गेम इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल का मैच उनका चाइना के साथ, उन्होंने चाइना की प्लेयर को हरा कर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स याद रखेंगे पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती थी, दैट इज़ हैदराबाद आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं, एंड ऑलरेडी वो यहाँ पर रियो ओलंपिक्स जो ब्राज़ील में 2016 में हुए थे वहाँ पर सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। देन हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट है लवलीना बोरगेन। स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ पर वॉल्टर बेट बॉक्सिंग में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है,
सो इनका भी आप यहाँ पर नेम याद रखेंगे कि इनको कौन सा मेडल मिला है रिसेंटली। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। लवलीना बोरगोहेन स्टूडेंट्स यहाँ पर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन असम, ठीक है, यहाँ से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ पर याद रखेंगे दैट इज़ बोल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये यहाँ पर सेम फाइनल के मुकाबले में यहाँ पर चाइना की एक बॉक्सर्स थी, ठीक है, उनसे हार गई थी। तो इसके बाद यहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, तो इनका भी यहाँ पर नेम याद रखेंगे। और ये थर्ड इंडियन बॉक्सर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है आफ्टर बिजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में मेडल जीता था, एंड मैरी कॉम जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीता था। तो ये थर्ड इंडियन बॉक्सर बनी है जिन्होंने यहाँ पर ओलंपिक्स में मेडल जीता है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेन्स हॉकी टीम। स्टूडेंट्स इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने 41 ईयर्स के बाद यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कितने ईयर्स के बाद इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने यहाँ पर मेडल जीता, दैट इज़ 41 ईयर्स। एंड इंडियन मेन्स हॉकी टीम को लीड कोर कर रहा था इसके यहाँ पर कैप्टन कौन थे, तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखेंगे दैट इज़ मनप्रीत सिंह जो थे वो यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। टोटल 16 मेंबर्स की यहाँ पर टीम थी एंड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में जर्मनी को 5-4 से यहाँ पर डिफीट किया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास दैट इज़ बजरंग पुनिया। स्टूडेंट्स बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में 65 केजी वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बजरंग पुनिया जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट जज्जर इन हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, और 1994 में इनका जो था वो बर्थ हुआ था, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ही इज़ द ओनली इंडियन रेसलर टू विन 3 मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया थे, अकेले इंडियन रेसलर है जिन्होंने 3 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था यहाँ पर कजाकिस्तान की जो रेसलर है उनको हरा दिया था, वन साइडेड मुकाबले में 8-0 से उनको हराया एंड यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। उनको इन्होंने ऑलरेडी सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले भी जीत चुके हैं, ठीक है। एंड बजरंग पुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं रेसलिंग में, तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट को याद रखेंगे। एंड 2019 में इनको यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। बजरंग पुनिया रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन 2015, पद्मश्री अवार्ड एंड खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न इन 2019। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 थी ये बजरंग पुनिया के लिए उनके फर्स्ट ओलंपिक्स थे, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने यहाँ पर जीते हैं, तो दैट इज़ USA। यदि हम टोटल नंबर्स की बात करें यहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते, दैट इज़ ऑल्सो USA। लास्ट डे सबसे चाइना यहाँ पर टॉप पर चल रहा था, लेकिन लास्ट डे USA ने यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल जीतकर टॉप पर नंबर रैंक हासिल कर लिया, तो दैट इज़ USA ने टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल कितने हैं 113। एंड स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के टोटल मेडल वो हम सभी जानते हैं दैट इज़ कितने 7, इंडिया की रैंक कितनी थी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉप 50 में इंडिया की रैंक इस साल आई है और इंडिया ने इंडिया का जो रैंक है वो है 48th पोजीशन, तो इंडिया यहाँ पर ओलंपिक्स की टैली में 48th नंबर पर रहा है। सो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, सो थैंक यू सो मच।